तिरुआ नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा क्षेत्र का कूड़ा सड़क किनारे फेंका जा रहा है और उसे वहीं जलाया जा रहा है। कोर्ट के आदेशों का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। जल रहे कूड़े से जहरीली गैस निकल रही है जो आम लोगों और वायु को प्रभावित कर रहा है। सड़क किनारे नगर पालिका द्वारा फेंका जा रहा कूड़ा जानवरों भी खा रहे हैं। वहीं जब हमने जनता से बात की तो उनका कहना था कि नगर पालिका द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। जिस तरह कूड़ा फेंका जा रहा है और जलाया जा रहा है उसे छोटे छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उसमें कई तरह की बीमारियां फैल सकती है। सड़क किनारे नगर पालिका द्वारा गंदगी का अंबार लगा दिया गया है जिस कारण वहां से निकलने में भी बड़ी समस्या आती है। जब वो खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्वस्थ हवा नहीं उनको मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को ही है, लेकिन इसके साथ बड़ी उम्र के लोगों को भी इसका नुकसान है। गैस सिलेंडर यानी एलपीजी जो कि आम जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसके बिना आज के समय में रहने में भी दिक्कत होती है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री योजना चलाकर गरीब से गरीब को भी सिलेंडर मुहैया कराए हैं, जिसके लिए आज गरीब की गृहिणियाँ भी इस योजना को चलाने वाली सरकार के गुणगाते नहीं थक रहे हैं। गैस संचालक के अनुसार पानी निकलने की शिकायत पर सिलेंडर तो बदल दिया गया है, लेकिन संचालक महोदय ने दोबारा भुगतान क्यों लिया इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पूरे मामले पर जिला पूर्ति निरीक्षक द्वारा मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन गरीब उपभोक्ता के साथ ठगी और सरकारी की मंशा को चूना लगाने वाली गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाले समय ही बताएगा। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत चाकी में लगभग 2 साल पहले हुए नहर निर्माण के काम में मजदूरों को आज तक पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। पैसा नहीं मिलने से मजदूर बेहद परेशान हैं और अधिकारियों के चक्कर काटते रहे। आपको बता दें कि 2016-17 में ग्राम पंचायत चाकी में जल संसाधन विभाग की तरफ से मनरेगा के तहत लाखों रुपये की लागत से नहर का मरम्मत कराया गया था। काम तो पूरा हो गया, लेकिन आज नहर के फिर से जर्जर नजर आ रहा है। वहीं मजदूरों को आज तक पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। काम तो जल संसाधन विभाग ने कराया था, लेकिन मजदूरों का मस्ट्रोल मनरेगा के तहत जनपद पंचायत की तरफ से भरा गया था। मस्ट्रोल कंप्लीट होकर जल संसाधन विभाग को सौंपा गया था। मजदूरों को आज तक पैसा भुगतान नहीं होने के कारण मजदूरों ने जर्जर ठोकर खाने को मजबूर हैं। मामले में जल संसाधन विभाग के अधिकारी कैमरे से हटते नजर आ रहे हैं। इरीगेशन डिपार्टमेंट से वो काम चूँकि हुआ सेंक्शन हुआ था और हमारे जनपद से यहाँ पे नरेगा के थ्रू उसका मास्टर रोल जारी होता है, और जब मास्टर रोल जारी होकर फील्ड से आता है तो उनका जो भुगतान होता है वो विभागीय होता है, तो वो इरीगेशन डिपार्टमेंट से उनका भुगतान हो पाएगा। सर इसमें जनपद का कोई हमारे यहाँ केवल जो मजदूर हैं उनका मास्टर रोल जारी किया जाता है, उसके बाद में MIS इरीगेशन डिपार्टमेंट करता है। ऐसा है कि 2016-17 दोनों में काम हुआ था। 2016 में जो काम हुआ उसमें 22 दिन काम चला था, लेबर का भुगतान हो गया था, और 2017 में जो 24 दिन काम चला उसमें न तो लेबर का भुगतान हुआ न तो मटेरियल का पैसा मिला अभी तक किसानों को कुछ, और यहाँ पे जो लेबर लोग काम किए थे उनको एक भी रुपया नहीं मिला। संजय गरायकर द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि सुजीत इंजीनियर सुरजीत गुप्ता जो इंजीनियर जिनके थ्रू काम हुआ था वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, हम जिम्मेदारी कैसे लें, और इस सिलसिले में लेबर लोग भी कई बार मिले थे, संजय ग्रायकर से मिले थे और बड़े अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और जितने भी लेबर थे उनका पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरिया निशंक ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। मेला नियंत्रण भवन में आयोजित बैठक में उनके द्वारा गोद लिए गए आदर्श गांव के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। जनपद के गोवर्धनपुर जमालपुर कलाखेड़ी टिकोहीपुर गांव सांसद निशंक द्वारा गोद लिए गए हैं। बैठक में कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद निशंक ने उसके द्वारा गोद लिए गए गाँव गोवर्धनपुर का पूरे देश में 7वें स्थान और उत्तराखंड में नंबर 1 होने का दावा किया है। उसका प्रयास है कि जनपद के सभी गांव देश में नंबर 1 की पोजीशन पर आएं। इसलिए स्वराज अभियान के तहत हरिद्वार जिले के 53 गांव के विकास कार्यों की समीक्षा भी उसके द्वारा की गई है।
गोवर्धनपुर गांव है और वो देश में सातवें नंबर पर आया है। लगभग 750-800 जो सांसद है राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके, तो उसमें सातवें स्थान पर आना, पूरे उत्तराखंड में नंबर एक पर आना, ये हमारे लिए गौरव का भी विषय है। जो गांव पहले 116 पूरे प्रदेश में गांव थे और सुराज अभियान के तहत तो 53 गांव हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में थे, उन गांवों की भी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं जिनको हमने 10 योजनाओं से आच्छादित तरीके पूरी तरीके से करना था। तो विभिन्न योजनाओं के पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है, पीडब्ल्यूडी की भी सड़कों की और डिस्ट्रिक्ट प्लान की भी और उसके सभी मिलजुल करके समीक्षा हम कर रहे हैं। श्री गुरु गोविंद खालसा स्कूल महिलपुर में मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंसिपल सुरेंद्र पाल, परदेसी मैडम जसबीर कौर की देखरेख में प्रिंसिपल गुरमीत कौर के नेतृत्व में स्कूल का वार्षिक समागम करवाया गया। इस समागम में प्रमुख मेहमान के रूप में बीबी रंजीत कौर प्रधान, नगर कौशल जगदीश सिंह वाइस प्रधान, कौर मोता सिंह ई शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से शब्द गायन किया गया। समागम में अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। स्कूल प्रबंधक कमेटी की ओर से मेघावी बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा स्कूल मालपुर विखे सालाना समागम करवाया गया, जिस विच वख-वख स्कूलों के बच्चों टीमों के रूप बुला के दो दिन समागम कविता भाषण गुरमत भाषण मुकाबले और गुरमत कविता मुकाबले करवाए गए, जेडे श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550 साल आगमन पर्व समागम सन, जिस विच नगर पंचायत मालपुर के प्रधान बीबी रणजीत कौर जी बैंस, सरदार मोहता सिंह जी जई साहब, सरदार जगदीप सिंह जी उप प्रधान नगर पंचायत मालपुर और होर इलाके के बहुत सारे प्रबंधकों ने योगदान पाया। इस समागम के स्कूल के पिछले जोड़े वक् वक् खेत्र मल्ला मारन वाले सितारे उन्होंने भी सम्मानित किया गया। तो स्कूल के कन्नौज के गुस्साहेगंज कोतवाली के मलिकपुर का मामला सामने आया है। आपको बताते हैं कि तेज रफ्तार ट्रक बाइक में भिड़ंत में 2 की मौत 1 घायल, मृतक जनपद फरुखाबाद के थाना जनसानगंज के रहने वाले हैं। मलिकपुर में हुआ हादसा, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायल को प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में रूबेला इंजेक्शन से हो रहे लगातार मौत और बीमार होने की खबर के बाद फिर शाहजहांपुर में 2 विद्यालयों के 12 छात्र बीमार हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विगत दिवस भी शाहजहांपुर में सरस्वती शिशु मंदिर के 30 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के बीते दिवस रूबेला इंजेक्शन से 30 बच्चे बीमार होने के बाद फिर नगर के सुदामा प्रसाद स्कूल एवं एन लाल मेमोरियल स्कूल के 12 बच्चे बीमार हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्कूल पहुंचकर बच्चों को रूबेला इंजेक्शन लगाए गए थे। विगत दिवस जिला अधिकारी ने इस बात के सख्त निर्देश दिए थे कि प्रिकॉशन लेने के बाद भी बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाए। बीमार हुए बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। क्या हुआ था? मूड पिरा रहा है? अच्छा, क्या हुआ था? आपके पास टीका लगा है?